तो यार कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हंट्रॉन हाइव, और वापस आ चुका हूं मैं। 2 महीने के लिए मैं गायब हो चुका था, बट जैसे कि आपने आज के लाइव स्ट्रीम में देखा, आई एम बैक प्लेइंग मार्वल फ्यूचर फाइट येट अगेन। आपने बुलाया, हम चले आए। और आज के इस वीडियो में मैं अपने लाइव स्ट्रीम में जो मुझे आज पूछा गया था, सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझसे पूछा गया था, उसका मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू कि टीयर 3 सिलेक्टर आए हाय हाय, जो हमें ब्लैक फ्राइडे के टोकन इवेंट से एज अ रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसमें से आपको 10 में से कौन से कैरेक्टर को टीयर 3 पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अब इसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, परम्यूटेशन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप गेम में किस पोजिशन पर यू आर, इंटरमीडिएट प्लेयर, बिगिनर प्लेयर, एडवांस्ड प्लेयर, वेटरन प्लेयर, या फिर आपको फ्यूचर पोटेंशियल देखते हुए कैरेक्टर को पिक करना है, या फिर आपके पास 9 कैरेक्टर बचा है तो ऑब्वियसली आप 10वें कैरेक्टर को ही पिक करने वाले हो, बिकॉज अदरवाइज द रिटर्न इन द कॉपी ऑफ द कैरेक्टर इज रियली बैड। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास शेरन रॉजर्स है और मैं टीयर 3 सिलेक्टर से भी शेरन रॉजर्स को पिक कर लेता हूँ, आई विल गेट शेरन रॉजर्स बायोस, विच इज लाइक गेटिंग इन रिटर्न आप 1,00,000 रुपये किसी को दोगे, आपको बदले में 10 रुपये दे रहा है, इट इज दैट काइंड ऑफ रिटर्न। वहीं अगर आपको 1,00,000 रुपये इन रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड पिक अ कैरेक्टर जो कि आपके पास टीयर 3 पे नहीं है। तो दैट्स इट, दैट इज अ बेसिक एग्जांपल जो कि मैं दे रहा हूँ, नॉट द बेस्ट एग्जांपल आउट देयर, बट या इट इज अप देयर। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इवेंट। तो इवेंट क्वेस्ट में हम जाएंगे, तब आप देख सकते हैं 4 days 3 hours बचे इवेंट को, आई हैव 60 tokens, तो 6 दिन के लिए इवेंट चलेगा। इन टोटल आप 50 tokens ले सकते हो पर डे, और ओवरऑल टोटल मैं बताऊं तो 6 into 50, अगर आपको मैथ्स आता है बेसिक मैथ्स, इट्स इक्वल टू 300 tokens। और वहीं अगर हम इवेंट शॉप में जाएंगे तो इन 300 tokens में से आप 250 token का सिलेक्टर टीयर 3 कैरेक्टर तो ले ही लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द बेस्ट रिवॉर्ड हियर एंड द रिवॉर्ड हियर, बिकॉज ऑब्वियसली टोकन भी 3 दिखाता है, तो ऑब्वियसली इट इज अ टीयर 3 टोकन। और यहाँ से आप पता नहीं क्यों आप कोई और कैरेक्टर, कुछ और रिवॉर्ड पिक करोगे, आई डोंट नो कौन करेगा ऐसा, बट जिसने कुछ गड़बड़ लिया होगा वो ही ये करेगा। बट डेफिनेटली गो फॉर सिलेक्टेड टीयर 3 कैरेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 कैरेक्टर है एज अ सिलेक्शन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर, एंट मैन, शेरन रॉजर्स एंड साइक्लॉप्स। एक ही म्यूटेंट कैरेक्टर है, बाकी 9 नॉन म्यूटेंट कैरेक्टर्स है, एवेंजर्स कैरेक्टर्स है। और इस लिस्ट को इन्हें अपडेट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये 10 कैरेक्टर लाइक बहुत पुराने हो चुके हैं। वी नीड मोर कैरेक्टर्स एडेड हियर, ब्लैक विडो एंड हेड, 5 कैरेक्टर और एड हो जाने चाहिए एट द वेरी लीस्ट इन माई ओपिनियन, दैट वुड बी रियली गुड। गेम में ओवर 50 कैरेक्टर्स टीयर 3 हो चुके हैं, आई थिंक 50 ओवर हो चुके हैं, अगर नहीं हुए तो लेट मी नो आपके हिसाब से कितने हुए हैं। और आई नो सम ऑफ देम आर नेटिव टीयर 2 एंड नेटिव टीयर 3, बट फिर भी यार 5 और कैरेक्टर जोड़ दोगे तो उतना कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। ब्लैक बोल्ट वगैरह ऐसे कैरेक्टर्स को जोड़ दो यार, हम जैसे गरीबों का कुछ भला हो जाए। बट आई थिंक मे बी दिस इज सम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि वो करना चाहते हैं, ताकि लोग पैसे खर्च करें इन ऑर्डर टू गेट देम सम मनी फॉर डेवलपिंग द गेम। बट ठीक है यार, आई विल नॉट गेट इन टू दोज थिंग्स, आई डाइग्रेस, बट फिर भी यार दे शुड अपडेट 5 more characters, दैट्स माई सजेशन। उसके अलावा इन 10 में से अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो लेट्स गो इन टू माई रॉस्टर, वहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स को स्टार मार्क करके रखा ताकि मैं बेटर तरीके से आपको रैंकिंग बता सकूँ। तो यहाँ पर रैंकिंग के लिए मैं 2 तरीके से रैंकिंग करूँगा, एक होगी इन जनरल रैंकिंग, एक होगी फ्यूचर पोटेंशियल रैंकिंग, कि आपको कैरेक्टर का फ्यूचर पोटेंशियल देखते हुए मैं रैंक करूंगा। तो सबसे पहले शेरन रॉजर्स आएगी, देर इज नो डाउट अबाउट इट, शी इज द बेस्ट इन द लिस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर फॉर पीवीई एंड वर्ल्ड बॉस लेजेंड डिस्ट्रॉयर, वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। बाकी कोई कॉन्टेंट के लिए मैं नहीं बोल सकता, GBR डिस्ट्रॉयर बोल सकता हूँ, बट या ABX में शी इज नॉट दैट गुड, नॉट एट ऑल गुड। स्क्वाड बैटल में शी कम्स रियली रियली हैंडी, स्क्वाड बैटल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो डेफिनेटली गो फॉर शेरन रॉजर्स। मुझे स्टार नाइट आर्मर का लुक ज़्यादा पसंद है, बट परफॉर्मेंस वाइज लाइट सीरियस आर्मर इज डेफिनेटली बेटर 5 to 10% के हिसाब से। बट अगर आपके पास लाइट स्टार नाइट आर्मर है, यू कैन और कैन नॉट गो फॉर दिस यूनिफॉर्म, टोटली डिपेंड करता है, आप स्टार नाइट आर्मर के साथ स्टिक कर सकते हो। बट अगर आपके पास डार्क स्टार आर्मर है तो जंप बिटवीन दीज टू आर्मर्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस यूनिफॉर्म। ब्लैक फ्राइडे का 50% सेल भी चल रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली यू कैन पिक दिस यूनिफॉर्म हियर। अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म है तो आप इस यूनिफॉर्म के साथ भी शेरन को रख सकते हो।
सेकंड रैंकिंग पे आते हैं तो इट इज साइक्लॉप्स। वही फ्यूचर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो साइक्लॉप्स के पास यूनिफॉर्म मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है इस लिस्ट में। ऑब्वियसली स्पाइडरमैन को मिलने वाला है उस पर हम आएंगे, बट साइक्लॉप्स को मिल सकता है अगर म्यूटेंट अपडेट आता है तो नेक्स्ट, बिकॉज काफी लंबा समय हो चुका है साइक्लॉप्स के यूनिफॉर्म मिले हुए। तो साइक्लॉप्स इज अप देयर वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट कैरेक्टर्स विद दिस यूनिफॉर्म विथ हिज अ पैसिव 30% इंक्रीज ऑफ एनर्जी अटैक टू ऑल एलाइज एंड ऑल एलाइज को ही 35% इंक्रीज ऑफ बेसिक अटैक। तो बेसिकली एनर्जी अटैक टाइप कैरेक्टर्स के लिए 65% है और फिजिकल टाइप कैरेक्टर्स के लिए 35% और ऑल अटैक इंक्रीज बफ है। तो काफ़ी तगड़ा बफ है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट कैरेक्टर है, सभी से यूज़ करते हैं एज अ सपोर्ट कैरेक्टर विद दिस यूनिफॉर्म और मैंने इनसाइट देख रखा है तो डबल डिप ऑन दैट। सो डेफिनेटली गो फॉर साइक्लॉप्स अगर आपके पास शेरन रॉजर्स है तो। वहीं अगर हम थर्ड कैरेक्टर पे आते तो कैप्टन अमेरिका आ चुका है विथ हिज ब्रांड न्यू एंटर दी फिनिक्स यूनिफॉर्म जिसमें इसे काफ़ी तगड़ा बूस्ट मिला है। सिर्फ यूनिफॉर्म इफेक्ट के चेंजेस की ही बात करें तो 10% से 20% बेसिक अटैक इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% बेसिक अटैक या 20% बेसिक अटैक। उसके अलावा ही वेंट फ्रॉम फिजिकल टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर टू फायर टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर विच इज एन एलिमेंट टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर। तो सीटीपी ऑफ जजमेंट के लिए भी काफ़ी तगड़ा हो चुका है कैप्टन अमेरिका एंड 20% फायर डैमेज इंक्रीज विच इज इनसेन। और बेसिकली उसके मोस्ट ऑफ दी स्किल्स भी फायर टाइप डैमेज लिंग हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फायर डैमेज। तो तीन स्किल चेंजेस है विद फायर डैमेज। सेकंड स्किल आई डोंट थिंक इट्स अ बिग चेंज और पैसिव भी चेंज हो चुका है, रिमूव्स ऑल डीबफ एंड टियर टू पैसिव में भी कुछ चेंजेस है। तो ही बिकेम रियली स्ट्रॉन्ग विद दिस यूनिफॉर्म। अगर आपको चाहिए कैप्टन अमेरिका, यू वॉन्ट टू प्ले एज कैप्टन अमेरिका, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। उसके अलावा वही रैंक 4 पे आते हैं तो मेरे हिसाब से आई पुट कैप्टन मार्वल हियर, शी इज रियली स्ट्रॉन्ग विद दिस यूनिफॉर्म। कंपेयर्ड टू हर इन्फिनिटी वॉर यूनिफॉर्म, एंड गेम यूनिफॉर्म, दिस यूनिफॉर्म इज ऑन अ होल न्यू लेवल। उसके अलावा यूनिवर्सल विलेन बन चुकी है, नॉट द बेस्ट कैटेगरी। अगर ये हीरो रहती तो मैं प्रीफर करता, बट या आफ्टर वांडा गेटिंग यूनिफॉर्म आई थिंक कैप्टन मार्वल का वैल्यू वैसे ही कम हो चुका है। उसके अलावा विलेन में प्रॉक्सिमा मिडनाइट हैज टेकन द स्पॉट फॉर कैप्टन मार्वल, तो काफी पीछे हो चुके हैं कैप्टन मार्वल उन रीजंस की वजह से, बट शी होल्ड्स हर ग्राउंड स्टिल एज अ 800 CCF कैरेक्टर। तो अगर आपके पास ये नेटिव टियर 2 कैरेक्टर्स नहीं है, जो कि स्कारलेट विच है ऑब्वियसली नेटिव टियर 2 वेरी एक्सपेंसिव, वहीं प्रॉक्सिमा मिडनाइट है ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, तो आप कैप्टन मार्वल को पिक कर सकते हो गेटिंग अ यूनिफॉर्म एंड यू आर सेट टू गो। एंड शी इज ऑल्सो रियली गुड कैरेक्टर अप टिल प्लैटिनम रैंकिंग इन टाइमलाइन बैटल एज वेल, तो दैट इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। तो डेफिनेटली कैप्टन मार्वल को आप चूज कर सकते हो। तो रैंक 4 में मेरे हिसाब से कैप्टन मार्वल आएगी। रैंक 5 में जाते हैं तो इट इज गोइंग टू बी आर लाइटनिंग बॉय, गॉड ऑफ थंडर, थॉर हेराल्ड ऑफ थंडर विथ हिज ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे मैं थॉर को रख रहा हूँ बिकॉज ये बहुत तगड़ा रिवर्क था और ये यूनिफॉर्म के साथ काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। स्किल एनिमेशंस एब्सोल्युटली लव दोज और साथ में इस परफॉर्मेंस इज ऑल्सो रियली रियली गुड, बेटर एविल लेवल डैमेज है ऑलमोस्ट। तो या आई एम पुटिंग थॉर अप हियर और थॉर फैंस आउट देयर, अगर आप खेलना चाहते हो एज थॉर यू कैन गो अहेड एंड गेट थॉर इन योर रोस्टर। उसके अलावा अगर मैं रैंक 6 की बात करूँ तो इट इज गोइंग टू बी आयरन मैन, लव यू 3000। नॉट द बेस्ट यूनिफॉर्म आउट देयर बिकॉज यार आयरन मैन को दे हैव ऑलवेज बीन शाफ्टिंग, इस यूनिफॉर्म के साथ ही बिकेम रियली स्ट्रॉन्ग, बट फिर भी वो था ना थोड़ा सा अगर और स्ट्रॉन्ग होता ना यार तो ज़्यादा मज़ा आता, बट स्टिल दिस इज़ अ सुपर विलियन यूनिफॉर्म, नॉट अ हीरो यूनिफॉर्म। अगर आप हीरो आयरन मैन खेलना चाहते हो तो इट इज़ अ एंड गेम यूनिफॉर्म विच इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड बिकॉज दिस यूनिफॉर्म वॉज ऑल्सो अ शाफ्ट फॉर आयरन मैन इवन विद द स्नैप ऑन हिज 5th स्किल। तो आई विल से वेट फॉर अनदर यूनिफॉर्म फॉर आयरन मैन, बट या यू कैन गेट हिम टू टियर 3 विद दिस टियर 3 सिलेक्टर एटलीस्ट। तो फिर वही रैंक 7 पे चलते हैं तो यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा विंटर सोल्जर को, आयर विंटर बॉय। पहले जब ये यूनिफॉर्म आया था आई वॉज रियली हाइप्ड अप अबाउट इट, आई टुक विंटर सोल्जर टू टियर 3 ऑन डे 1 एंड इंस्टेंटली रिग्रेटेड इट। आई शुड हैव गॉन फॉर फैल्कन, फैल्कन को अच्छा यूनिफॉर्म मिला विद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वही विंटर सोल्जर को पूरी तरीके से शाफ्ट कर दिया गया। इन्फिनिटी वॉर में वन ऑफ द बेस्ट यूनिफॉर्म वॉज विंटर सोल्जर और तब से लेके काइंड ऑफ करीब 1.5 साल तक विंटर सोल्जर वॉज स्टिल अप देयर, बट अब इस यूनिफॉर्म के साथ विद द करेंट मेटा ही बिकेम लाइक बहुत पीछे हो चुका है और बहुत ही छोटा सा बफ है यूनिफॉर्म में। तो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। प्लस पहले जब ये यूनिफॉर्म आया था ही लुक्ड लाइक किसी ने इसे एक झापड़ मार दिया, उसके बाद जब इसे एक फेस जॉब एंड ही लुक लाइक ही वॉज यूजिंग फेयर एंड लवली। तो बोलते ना फटा पोस्टर निकला हीरो, यहाँ पे हुआ फटा पोस्टर निकली फेयर एंड लवली। तो यस विंटर सोल्जर फिर भी रैंक 7 पे आ जाता है समहाउ बिकॉज और कोई कैरेक्टर उससे बेटर नहीं है अभी करेंटली इन द गेम।
इन दिस 10 कैरेक्टर्स, आउट ऑफ दिस 10 कैरेक्टर्स, वैसे ही रैंक 8 पे ब्लैक पैंथर आ जाता है। आई वॉज सो हाइप्ड जब ब्लैक पैंथर का यूनिफॉर्म अनाउंस हुआ था। आई ऑल्सो गॉट दिस यूनिफॉर्म द मोमेंट इट केम आउट, बट फिर जैसे ही मैंने टेस्ट किया इस यूनिफॉर्म को, मैं ब्लैक पैंथर को टियर 3 ले जाने वाला था, देन आई स्टॉप्ड मिड वे बिकॉज दिस यूनिफॉर्म इज ऑल्सो अ शैफ्ट। आई डोंट नो ब्लैक पैंथर 2 आएगा कि नहीं, उसका प्रोडक्शन चल रहा है कि नहीं, बिकॉज देर हैज़ बीन नो अनाउंसमेंट अबाउट दैट। बट अगर ब्लैक पैंथर एक नया यूनिफॉर्म देते तो आई सपोज, आई होप दे डू इट 4 टाइम्स द डैमेज देन वॉट दिस यूनिफॉर्म हैज़ एटलीस्ट, तब जाके ब्लैक पैंथर गेम में कहीं टिकने लायक पोजिशन पर आएगा। बट या आई इवन गेव हिम अ रेज ऑन डे 1 जस्ट फॉर माई लव फॉर ब्लैक पैंथर ब्रो, बट ही इज़ नॉट दैट गुड। बट स्टिल रैंकिंग की हम यहाँ बात करें तो आई से जस्ट पुटिंग हिम एट रैंक 8 अकॉर्डिंग टू द करेंट पार लेवल दैट ही हैज़ इन द गेम। वहीं रैंक 9 पे आते हैं तो आई एम गोइंग टू पुट स्पाइडरमैन, बिकॉज ऑब्वियसली फार फ्रॉम होम वॉज आफ्टर एंड गेम एंड स्पाइडरमैन वॉज रियली स्ट्रॉन्ग विद दिस यूनिफॉर्म, एंड एंटमैन इज लाइक नॉट एट ऑल गुड विथ हिस टीयर 3 एज वेल। ये यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छा है स्पाइडरमैन का, दो नॉट इन द मेटा एनी मोर। अपडेट आया फार फ्रॉम होम का, फॉर फ्यू डेज स्पाइडरमैन वॉज डिसेंट एंड ऑल, बट नेक्स्ट अपडेट आती ही वॉज बैक वेर ही वॉज विथ इन्फिनिटी वॉर यूनिफॉर्म। प्लैटिनम लीग एंड बिलो के लिए स्पाइडरमैन कैन बी अ गुड गो फॉर टाइमलाइन बैटल, बट उसके अलावा कोई कॉन्टेंट आई डोंट सी स्पाइडरमैन रैंकिंग एट ऑल। येस फार फ्रॉम होम के बाद अब नो वे होम का भी यूनिफॉर्म आने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में जब हम बात करेंगे, बट एज ऑफ करेंट स्टैंडिंग स्पाइडरमैन कम्स एट रैंक 9 इन द लिस्ट। वहीं रैंक 10 की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली हमारा छोटा आदमी एंटमैन। ही ऑल्सो इज नॉट दैट गुड, आई होप ही ऑल्सो गेट्स अ यूनिफॉर्म इन द फ्यूचर जिससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ही शुड बी रियली स्ट्रांग बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट, बट ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, सभी कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं, कोई कोई कैरेक्टर को नीचे होना पड़ता है ताकि दूसरे कैरेक्टर ऊपर आ सके, दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क्स, दैट्स हाउ गेम्स वर्क। तो ठीक है, बट अगर आपके पास बाकी 9 कैरेक्टर है यू कैन गो फॉर एंटमैन विदाउट एनी डाउट। तो वहीं हम खत्म करते हैं हमारा करंट स्टैंडिंग्स के हिसाब से रैंकिंग फॉर आर 10 कैरेक्टर्स इन द टीयर 3 सिलेक्टेड लिस्ट। वहीं अगर मैं फ्यूचर पोटेंशियल की बात करूं तो रैंक 1 पे आ जाता है स्पाइडरमैन, और अगर मैं मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करूं, ऑल ऑफ यू शुड गो फॉर स्पाइडरमैन अगर आपके पास टीयर 3 पे नहीं है तो, बिकॉज आई थिंक फार फ्रॉम होम इज गोइंग टू बी फार फ्रॉम होम बोल रहा हूं मैं नो वे होम is going to be it for Spider-Man and he will become the or one of the strongest character in the game and I would love to see that happening or I am waiting patiently for that। maine gears mein koi investment nahi kiya because main personally khud Spider-Man ko pick karne wala hu because as you can see I have 7 of these characters at tier 3 and I don't see myself picking Black Panther in the tier 3 selector, I don't see myself picking Ant-Man in the tier 3 selector, I'm going to straight up take Spider-Man to tier 3 using the tier 3 selector, kuch buyers mere waste jayenge which I spent getting him to 70 and BAM as well and gold as well, but I don't care bro, I don't freaking care, samajh rahe ho? तो आपको भी स्पाइडरमैन को पिक कर लेना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आई होप आप सभी ने लेजेंडरी बैटल खरीदा होगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का, बिकॉज यहाँ पे आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप स्पाइडरमैन को टीयर 3 ले जाते हो, विच इज 50 CCF, विच इज लाइक 1/16 ऑफ अ टीयर 3, विच इज ऑल्सो इनसेन। सो डेफिनेटली वन ऑफ द रिकमेंडेड कैरेक्टर्स है स्पाइडरमैन। कमिंग अप नेक्स्ट फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से आई से गो फॉर ब्लैक पैंथर अगर आपके पास स्पाइडरमैन टीयर 3 पे है तो, बिकॉज ब्लैक पैंथर इज द वन हु कैन गेट अ यूनिफॉर्म, तो ब्लैक पैंथर इज ऑल्सो रिकमेंडेशन हियर। उसके अलावा साइक्लॉप्स इज ऑल्सो अप देयर, बिकॉज मुझे लग रहा है साइक्लॉप्स को एक नया यूनिफॉर्म मिलेगा, प्लस इज अ म्यूटेंट कैरेक्टर तो म्यूटेंट रिसोर्सेज आर देयर जो कि कुछ हद तक एक्सपेंसिव होते हैं, एंड साइक्लॉप्स को यूनिफॉर्म मिले हुए सबसे ज़्यादा लेट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं इन कैरेक्टर्स की बात करूँ तो स्पाइडरमैन ब्लैक पैंथर एंड साइक्लॉप्स आर द कैरेक्टर्स जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी हाई है यूनिफॉर्म मिलने की। शेरन रॉजर्स, विंटर सोल्जर, थॉर, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका रिसेंटली गॉट देयर यूनिफॉर्म्स, आई डोंट सी देम गेटिंग यूनिफॉर्म फॉर अनदर ईयर अंटिल अनदर ब्लैक फ्राइडे, जबकि हमें एनिवर्सरी पे एक और टीयर 3 सिलेक्टर मिलेगा और फिर उसके बाद वाले ब्लैक फ्राइडे पे भी एक और टीयर 3 सिलेक्टर मिलेगा। सो वी हैव टू टीयर 3 सिलेक्टर लाइंड अप बिफोर दे गेट अ टीयर अनदर यूनिफॉर्म, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आउट देयर हैव दीज 6 कैरेक्टर जो मैंने अभी बोला एट टीयर 3 ऑलरेडी। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर माई रिकमेंडेड कैरेक्टर, बट बेसिकली आई थिंक वट पीपल आर स्ट्रगलिंग इन मेरे हिसाब से विंटर सोल्जर, आयरन मैन,
स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर एंड एंटमैन। मुझे लग रहा है इन पांच में लोग डिसीजन करने में कंफ्यूज है, बिकॉज बाकी पांच मुझे लगता है सभी के पास ऑलमोस्ट टियर 3 पे है। तो मैं रिकमेंड करूंगा स्पाइडरमैन इन रैंक 1 इन दैट 5 कैटेगरी, और रैंक 2 पे मैं रखूंगा आयरन मैन को, 3 पे ब्लैक पैंथर को, 4 पे विंटर सोल्जर को, 5 पे एंटमैन को, करंट स्टैंडिंग एंड फ्यूचर पोटेंशियल दोनों को मद्देनजर रखते हुए। सो दिस विल बी इट फॉर माई रैंकिंग वीडियो, रैंकिंग गाइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर, ओके आई गॉट दिस, वाओ ये आ चुका है फाइनली, सो आई एम गोइंग टू पिक दिस रेयर टिकट। आप भी पिक कर लो यार, अगर आप कर लोगे तो लेट्स सी मुझे क्या मिलता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ सिंगल लाइन, 5 बॉक्सेस हो चुके हैं तो आई शुड हैव गॉट इन अ लाइन, बट आई विल नॉट गेट अ लाइन। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई गॉट द टिकट दैट आई वॉन्टेड। बट या डेफिनेटली, अगर आप टियर 3 सिलेक्टर के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली अडेयर टू माई रैंकिंग, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजी जाकर पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू और आई विल ट्राई टू आंसर इट। उसके अलावा आई एम डूइंग क्रिस्टल कूपन गिव अवे, 10 क्रिस्टल कूपन गिव अवे करेंगे, विच इज अ टोटल ऑफ 3000 क्रिस्टल्स। सो मेक श्योर यू लीव फर्स्ट पार्ट ऑफ योर जीमेल इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। विनर की अनाउंसमेंट कुछ दिन में हो जाएगी, तो आई होप यू विल स्टे पेशेंट अंटिल देन, और कल एक और लाइव स्ट्रीम है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। मिलते आपसे अगले वीडियो में, और कुछ भी डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ वेला, बाय। Goku! Son Goku!